जोहार झारखंड, मैं प्रताश कुमार झा PGT टीचर प्लस टू स्कूल शर्मा से बोल रहा हूँ। आज 24 सितंबर 2020 हिस्ट्री वन लाइनर में आज हम आप तो पाठ जो है उसमें हम मौर्य युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मौर्य ताल जो है, जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पूर्व मौर्य काल में गौतम बुद्ध का प्रभाव के कारण समाज में राजनीतिक और सामाजिक नई व्यवस्था बनी थी और उससे हमारे भारतीय इतिहास में नए युद्ध का शुरुआत हुई थी। गौतम बुद्ध ब्राह्मणों की सभा में गए, क्षत्रियों की सभा में गए, गृहपतियों की सभा में गए, लेकिन शूद्रों की सभा में उनके जाने का कोई उल्लेख नहीं है। पछाड़ी इलाकों में खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में लोहे के औजार से होने वाली खेती के फलस्वरूप उन्नत अन्न उत्पादक अर्थतंत्र का जन्म हुआ। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। वह साधारण तुलता था। ब्राह्मण परंपरा के अनुसार उसकी माता शूद्र जाति थी। मूढ़ा नामक स्त्री थी जो नंदो के रनवास में रहती थी। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चाले चली उसकी विस्तृत तथा मुद्रा राक्षस नामक नाटक में है, जिसकी रचना विषात दत्त ने 9वीं सदी में की। चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर उसके बदले सेल्यूकस ने उसे पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध के पश्चिम में क्षेत्र दे दिया। चंद्रगुप्त विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया, जिसमें पूरे बिहार तथा उड़ीसा और बंगाल के बड़े भाग के अतिरिक्त पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत और दक्कन भी थे। केवल तमिलनाडु तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ भागों को छोड़कर सारे उपमहाद्वीप पर मौर्य शासन छा गया। इसलिए मौर्य युद्ध तो भारत का पहला वन इंडिया प्रशासन कहा जाता है। मौर्यों ने विस्तृत प्रशासन तंत्र स्थापित किया। इससे झलक मेधास्तनीज की पुस्तक इंडिता और तोटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है। मेधास्तनीज यूनान का राजदूत था। इंडिता पुस्तक से मौर्य काल के प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालता है। मेधास्तनीज के विवरण को टोटिल्य के अर्थशास्त्र से परिपूरित किया जा सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य स्वेच्छाचारी शासक था और सारे अधिकार अपने ही हाथों में रखे हुए था। मौर्य काल में दे नदर पाटलिपुत्र कौशाम्बी, उज्जयिनी और तक्षशिला चोटी के नदर थे। मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियां करती थी। हर समिति में 5-5 सदस्य होते थे। ये समितियां सफाई,
विदेशियों की रक्षा जन्म और मृत्यु का लेखा बाटो और मापो का नियमन और इस तरह से अन्यान्य तार करती थी। पिलिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्ति सेना में 600,000 पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। मेधास्तनीज के अनुसार सैनिक प्रशासन के लिए 30 अधिकारियों की एक परिषद थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में विभक्त थी। पैदल, घुड़सवार, हाथी, रथ, नाव और सवारी सेना इन 6 अंगों में से हर एक का प्रबंध एक एक समिति को सौंपा गया। यानी सेना में पैदल सेना तो अलग समिति, घुड़सवार सेना तो अलग समिति, हाथी वाले सेना से अलग समिति, रथ वाले सेना थी अलग समिति और नौ वाले सेना थी अलग समिति और सवारी सेना थी अलग समिति होती थी। इस तरह समिति के अनुसार मोर प्रशासन चलता था। खान, मद, तिबितरी, हथियारों का निर्माण आदि पर राज्य का एता अधिकार था। अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व तक मौर्य शासन चलाया। अशोक पहला भारतीय राजा हुआ जिसने अपने अभिलेखों के सहारे सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया। अशोक के अभिलेखों को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला दीर्घ शिलालेख, दूसरा लघु शिलालेख, तीसरा पृथक शिलालेख, चौथा दीर्घ स्तंभ लेख और पांचवा लघु स्तंभ लेख। इस तरह आप देख रहे हैं कि अशोक पहला भारतीय राजा हुआ जो अपनी प्रजा से डायरेक्ट जुड़ा हुआ था। अशोक का नाम केवल प्रथम लघु शिलालेख की प्रतियों में मिला है जो कर्नाटक के 3 स्थानों और मध्य प्रदेश के 1 स्थान पर पाई गई है। अन्य सभी अभिलेखों में केवल देव नाम प्रिय या प्रियदर्शी, देवोता प्यारा उसकी उपाधि के रूप में मिलता है और अशोक का नाम छोड़ दिया गया है। प्राकृत में रचे अभिलेख साम्राज्य भर के अधिकांश भागों में ब्राह्मी लिपि में लिखित है, किंतु पश्चिमोत्तर भाग में ये थरोष्टी और आरामाइक लिपियों में है और अफगानिस्तान में इंती भाषा और लिपि अरामाइक और यूनानी दोनों हैं। अशोक के अभिलेख सामान्यतः प्राचीन राजमार्गों के किनारे स्थापित थे। इनसे अशोक के जीवन वृत्त, उसकी आंतरिक और परराष्ट्रीय नीति तथा उसके राज्य के विस्तार की जानकारी मिलती है। अशोक का गृह और विदेश नीति बौद्ध धर्म के आदर्श से प्रेरित है। राजगद्दी पर बैठने पर केवल एक युद्ध किया, तलिंद युद्ध। इस युद्ध के कारण ब्राह्मणों, पुरोहितों और बौद्ध भिक्षुओं तो भी बहुत
कष्ट झेलने पड़े, जिससे अशोक तो दहरी व्याथा और पश्चाताप हुआ। इसलिए उसने दूसरे राज्यों पर भौतिक विजय पाने की नीति छोड़कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। भेरी दोष के बदले धम दोष होने लगा। 13वें शिलालेख में चर्चा है, अपने साम्राज्य के भीतर उसने एक तरह के अधिकारियों की नियुक्ति की जो राजूत कहलाते थे। उन्हें प्रजा तो नियंत्रण करना होता था। गांधार अभिलेख से मालूम होता है कि उसकी इस नीति की सफलता बहेलियों और मछुआरों पर भी हुई और उन्होंने जीव हिंसा तो त्याग कर संभवतः व्यवस्थित थेथिहर जीवन तो अपना लिया। कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप अशोक बौद्ध हो गया। अशोक ने बौद्धों का तीसरा सम्मेलन या संधि आयोजित किया और धर्म प्रचार तो केवल दक्षिण भारत ही नहीं श्रीलंका बर्मा आदि देशों में भी भेजा, ताकि वहाँ के लोगों तो बौद्ध धर्म में लाया जाए। ईसा पूर्व दूसरी और पहली सदियों के ब्राह्मी अभिलेख श्रीलंका में मिले हैं। अशोक ने नारी सहित समाज के विभिन्न वर्गों के बीच बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए धम्म महामात्र बहाल किए। अपने साम्राज्य में न्याय चर्चा करने के लिए उसने राजूतों तो भी नियुक्ति की। तो इस प्रकार आज का जो मैं टॉपिक है यहीं तक। फिर हम अगले क्लास में आप तो नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। आप तो मेरा ये चैनल कैसा लगा, मेरा ये वीडियो तो आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद।